ईशान मौत मामले से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें। अब से थोड़ी देर के बाद एक्टर शीजान खान की कोर्ट में पेशी होगी और पुलिस शीजान खान की पुलिस कस्टडी मांगेगी, क्योंकि पुलिस को इस केस में कई सवालों के जवाब चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, आज शीजान की पेशी होगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तभी मिल पाएंगे जब शीजान उन सवालों के जवाब देगा, और इसीलिए माना जा रहा है कि कस्टडी यहां पर मांगी जा सकती है। और आपको बता दें, कल भी पूछताछ में जानकारी के मुताबिक शीजान खान आउट हो गया था, सवाल जवाबों के समय वो रो पड़ा था, लेकिन अब जानकारी के मुताबिक उसकी कस्टडी आज खत्म हो रही है। और ऐसे में पुलिस की पूरी पूरी कोशिश होगी कि जब उसकी पेशी हो कोर्ट में तो कस्टडी की जो अवधि है उसे बढ़ा दिया जाए, जिससे कि इस केस में जो तमाम गुत्थियां उलझी हुई हैं उन्हें सुलझाने में मदद मिले। और इस वक्त हम अपने सहयोगी दिवाकर का रुख करेंगे। दिवाकर, आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है इस लिहाज से कि क्या पुलिस को आगे कस्टडी मिलने वाली है? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि पिछले चार दिनों में मुंबई पुलिस ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की है, 18 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, और इसके अलावा जो शीजान लगातार अपने बयान बदल रहा है, चार दिनों में उसने चार तरह के बयान दिए हैं, और इसी यही वजह है कि ब्रेकअप की वजहों तक पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई है। और पुलिस का कहना है कि उनका इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों अभी बाकी है, जिसके चलते उन्हें 2 से 3 दिन की और कस्टडी की जरूरत है। और जो बयान दर्ज किए गए हैं और साथ ही साथ जो अब तक इन्वेस्टिगेशन की गई है, क्योंकि सीन भी रिक्रिएट किया गया है बीती रात को, तो ऐसे में पुलिस कोर्ट के सामने वो तमाम साक्ष्य रखेगी और 2 से 3 दिनों तक की कस्टडी लेने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है दिवाकर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, तनिष्क शर्मा और शीजान खान के बीच घटना वाले दिन लंच पर क्या बात हुई, ये बड़ा सवाल है। लंच से पहले आखिर क्या हुआ था, इस सवाल के जवाब से कई सुराग पुलिस को मिल सकते हैं। और यही वजह है कि पुलिस घटना वाले दिन लंच से पहले और लंच के बाद शीजान की हर गतिविधि का पता लगाने में जुटी हुई है। आखिर लंच पर तनिष्क और शीजान के बीच क्या हुआ था, इसकी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा। सवाल पर फूट फूट कर रोया बॉयफ्रेंड, लंच पर हुई बात से सदमे में थी तनिष्क। शीजान खान की लाइफ में कितनी लड़कियां थी, एक मौत एक आरोपी, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री में सवालों की इतनी गुत्थी है जिसे सुलझाए बिना न तो पुलिस तनिष्क मर्डर केस के सच तक पहुंच सकती है और न ही सुसाइड की इस मिस्ट्री में उकसावे की थ्योरी को साबित किया जा सकता है।